क्या इंडिया और चाइना के बीच में जो इतने महीनों से एक तनावपूर्ण माहौल चल रहा था, क्या वो अल्टीमेटली खत्म होने वाला है? क्या चाइनीज आर्मी हटने वाली है उस डिस्प्यूटेड जगह से? और राजनाथ सिंह जी ने ऐसा कौन सा बयान दिया जिसके चलते कि ये सब होने वाला है? और क्या ये एक अल्टीमेट चीज हो रहा है कि सपोज ये एक बार हो जाएगा तो इसके बाद क्या और इंडिया और चाइना के बीच में झगड़े नहीं होंगे? इस बात की कौन गारंटी देता है? आज के इस वीडियो में मैं आपको इन सभी सवालों के जवाब देने वाला हूं, तो ये वीडियो ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा, क्योंकि एक जो इंडिया और चाइना के बीच में कहीं ना कहीं एक बहुत तनावपूर्ण माहौल चल रहा था जिसके बीच में कि हमारे बहुत सारे जवान शहीद भी हो गए थे, तो वो शायद कहीं ना कहीं अल्टीमेटली एक खत्म होने जा रहा है ये सिलसिला। तो आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप इतने अमेजिंग चीज मिस नहीं करना चाहेंगे फ्यूचर में भी। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ इंडिया और चाइना के बीच में कि अल्टीमेटली ये जो चीज है वो खत्म होने जा रही है, और क्या ये हमेशा के लिए हो रही है या थोड़े समय के लिए हो रही है। चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। हाल ही में राजनाथ सिंह ने ये कहा कि चाइनीज जो आर्मी है और जो इंडियन आर्मी है उन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है कि अभी जो लद्दाख में बहुत दिनों से एक तनावपूर्ण माहौल चल रहा था वो अभी खत्म होने वाला है, क्योंकि दोनों तरफ के जो सेना है वो अपनी अपनी सेनाएं हटाने वाली है, वो अपने अपने लोगों को हटाने वाली है पैंगोंग त्सो के इलाके से। वो वही इलाका है जहां पे कि क्लैश हुआ था और हमारे बहुत सारे जवान भी शहीद हुए थे। ये वही इलाका है जहां पे कि चाइनीज आर्मी ने बहुत बार घुसपैठ की कोशिश की थी। तो हाल ही में राजनाथ सिंह जी का ये बयान आया था कि अभी वहां पे हालात जो है वो काबू में है, कंट्रोल में है, और वो पहले के मुकाबले और ज्यादा अच्छे हो रहे हैं, क्योंकि दोनों तरफ से जो आर्मी है वो हटाई जा रही है ताकि वहां का माहौल और शांतिपूर्ण हो। और इस बात को मोहर लगाई है चाइना के आर्मी के तरफ से भी कि वो लोग भी अपने वहां से हटा रहे हैं आर्मी को, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखने को मिला था कि इंडियंस तो शायद कहीं ना कहीं वो हटा रही थी लेकिन चाइना ने बैकस्टेप किया है बहुत बार। तो इसलिए इस बार बहुत ही ज्यादा ठोस प्रूफ के साथ ही राजनाथ सिंह जी ने ये बयान दिया, ये स्टेटमेंट दिया कि अभी ऐसा हो रहा है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं ये जो डिसएंगेजमेंट प्रोसेस है कि ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पे कि दोनों कंट्रीज की आर्मी अपने अपने आर्मीज को एक पॉइंट से हटा लेती है। एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे कि दोनों तरफ की सेनाएं होती है और वो अपनी अपनी सेनाओं को उस जगह से हटाती है। तो क्या ये इतना आसान होगा कि इंडिया ने हटा लिया, फिर चाइना ने भी हटा लिया, और फिर अचानक से कोई अगर कंट्री अपनी सेना लेके उस जगह पे पहुंच जाती है और उस जगह पे कब्जा कर लेती है तो क्या होगा? तो ये जो प्रोसेस होता है पूरा, ये उतना आसान नहीं होता है जितना कि ये सुनने में लग रहा है कि हटा दिया और बस हो गया। तो चलिए मैं आपको समझाता हूं कि ये होगा कैसे। चीज को और अच्छे से समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो झगड़े हो रहे थे इतने दिनों से ये चल क्यों रहे थे, इसके वजह से हमारे बहुत सारे जवान शहीद भी हुए हैं, तो ये चल क्यों रहे थे? ये 3440 किलोमीटर्स का एक लैंड है, तो उस जगह को इंडिया अपना कहता है, चाइना अपना कहता है, लेकिन इंडिया ने बहुत बार इस बात की पहल की है कि उस झगड़े को सुलझा लिया जाए, लेकिन चाइना इस बात पर अड़ा हुआ है कि वो हमारा जगह है और हम उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो इस बार भी ये इसी बात को लेके झगड़ी, जो हमारा ये जो सिलसिला था आर्मी का उस जगह पे आना, ये इसी वजह से शुरू हुआ था क्योंकि उस जगह में चाइना ने अपना जो आर्मी थी वो उसने बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दी थी। तो इंडिया ने सोचा कि अगर इस समय में हम अपने आर्मी को वहां पे तैनात ना करें तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो उस जगह के अंदर आ जाए और वो किसी और जगह में आके चाइना कब्जा बैठा ले। और ये जो चीज था वो उस समय और अहमियत इसलिए हो जाता है क्योंकि चाइना की जो आर्मी थी वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि चाइना और इंडिया का जो लाइन है उसको कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और जो पाकिस्तान और इंडिया का जो बीच में लाइन है उसको कहते हैं LOC। तो जो ये चाइना और इंडिया का जो लाइन है उसके इस साइड से चाइना 8 किलोमीटर अंदर आ गई थी, तो इसलिए ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता था इंडिया के लिए कि चाइना की आर्मी को वो खदेड़ के अपने देश की सीमा से बाहर करे। तो इसलिए ये जो वहां पे आर्मी का स्टैंड ऑफ हुआ था एक बार, तो वो इसलिए हुआ था। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कि ये जो आर्मी दोनों कंट्रीज ने हटाई अपनी अपनी जगह से और हटाने वाले हैं, तो ये हुआ कैसे। तो हाल ही में एक स्टेटमेंट इशू किया गया था चाइना के डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से और इंडिया के डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कि ये कैसे होगा। सबसे पहले
चाइना जो अपनी आर्मी है उसको ईस्ट ऑफ फिंगर एट की तरफ वो लेके जाएंगे, उसको वहां से हटाएंगे। और ये फिंगर एट, फिंगर फोर आपने बहुत बार सुना हुआ, तो ये फिंगर है क्या चीज? तो फिंगर जो लद्दाख का जो एरिया है जहां पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वहां पे बहुत सारे छोटे छोटे माउंटेन्स हैं, तो उन माउंटेन्स का जो पीक है उसको कहा जाता है फिंगर फोर, फिंगर फाइव, फिंगर सिक्स, फिंगर एट। ऐसे उस जगह में उन माउंटेन्स के नाम को हम लोग फिंगर्स कहते हैं। तो जो अपनी चाइना की जो टुकड़ी है वो अपने आर्मी को फिंगर थ्री या फोर से हटा के फिंगर एट पे लेके जाएगी सबसे पहले। एक और जो इसमें बहुत ज्यादा अहमियत वाली चीज है वो ये है, एग्रीमेंट हुआ है कि अप्रैल 2020 से जितने भी कंस्ट्रक्शन उस जगह पे हुए हैं, चाहे वो चाइना के साइड हो चाहे वो इंडिया के साइड हो, दोनों अपने अपने कंस्ट्रक्शन उस जगह से हटाने वाले हैं। ये एक बहुत ही ज्यादा अहमियत रखती है, क्योंकि अगर वो कंस्ट्रक्शन रह गए तो ये कहीं ना कहीं एक संकेत हो जाता है, इंसान के मन में एक संकोच रह सकता है कि क्या पता कि वो कल उसी जगह में आके फिर से हवा बोल सकते हैं। लेकिन अगर आपने उस जगह का कंस्ट्रक्शन ही हटा दिया तो एक जो हो जाती है कि ये एक श्योरिटी हो जाती है कि हाँ वो अब उस जगह से हटने वाले हैं।